हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बॉन्ड एनर्जी हैं, और बॉन्ड एनर्जी जो होती है उसकी बातें करेंगे। बॉन्ड एनर्जी को नोट करते हैं अपन, बीई बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी देखिए क्या होती है। जैसे आपके पास में एक एटम है H2, एक आपके पास में है Cl2 हाइड्रोजन। अब ये वाला जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आप इसको देंगे, यानी जो एनर्जी ये यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, यानी H+ आयन और H- आयन बनाने की कंडीशन में आने के लिए जो एनर्जी यहाँ पर दी जाएगी, इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, तो वो रिक्रूवमेंट जो एनर्जी होती है या एब्जॉर्ब जो एनर्जी होती है इस बॉन्ड के द्वारा, वो कौन सी कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, ये तो कौन सी कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी भी है दो टाइप की है, बॉन्ड को ब्रेक करना है तो भी एनर्जी निकल रही है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब हो गया एनर्जी दो टाइप की हो गई बॉन्ड वाली। कौन सी? एक तो वो एनर्जी जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए नेसेसरी होती है, जिसको बॉन्ड डी एसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड डी एसोसिएशन एनर्जी। ओके, जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए नेसेसरी होती है। दूसरी, बॉन्ड का फॉर्मेशन होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। अब अपने पास में बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो दो एटम्स जो होते हैं उनकी एनर्जी का एवरेज होती है, और जो एवरेज एनर्जी होती है वही बॉन्ड एनर्जी को नोट करती है। जैसे मैं कहता हूँ H2 मॉलिक्यूल जो है ये मोस्टली, और Cl2 मॉलिक्यूल आपके पास में, दोनों में से किसकी बॉन्ड एनर्जी मोर होगी, किसकी बॉन्ड एनर्जी मोर होगी, ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी जो होती है किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ए और बी है, अगर इस बॉन्ड को फॉर्मेशन करना है तो ये कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कब होगी ये? जब इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे, और अगर ए एटम एंड बी एटम के बीच में अगर फॉर्मेशन होता है तो बनेगी ए और बी, तो ये कहलाएगी क्या? फॉर्म हो रहा है तो ये कहलाएगी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ओके, ये दो बातें अपने पास में हैं। और यहाँ पर देखिए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के बाद अपने पास में एक पॉइंट है। एग्जांपल के लिए अगर बात करें कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब है किससे, जैसे जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है मेरे पास में जिसके अंदर बॉन्डों का नंबर जो है इस टाइप से है। जैसे मैं कह रहा हूँ कार्बन कार्बन जो मेरे पास में है एल्केन है, और कार्बन कार्बन ये एल्कीन है, और कार्बन कार्बन ये एल्काइन है। ये तीन मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक एल्केन है, एक एल्कीन है, और एक क्या है? एल्काइन। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों में अगर बात करें तो अपने पास में एक लिंक था। स्टूडेंट्स आपको याद होगा, जरा वापस रिवाइज कर लेते हैं, देखिए आपको क्या लिंक मैंने लिखा था। बॉन्ड जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, किसके ऊपर है? इसके अपोजिट होती है। और ये बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपको देखना है। ये बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और सीधी से अगर बात देखें यहाँ पर है, तो ये अपने पास में एक एग्जांपल है, यहाँ पर है ये एल्केन है, एल्केन ये है, एल्कीन आपके पास में, और ये है ये एल्काइन। क्या है? ये एल्काइन है। अब आप देखिए इस वाले में अपने को देखना है कि इस वाले में कौन सा वाले की बॉन्ड लेंथ है वो मैक्सिमम है, इस वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इस वाले की बॉन्ड लेंथ इससे कम है, इस वाले की बॉन्ड लेंथ इससे कम है। इसका मतलब अप से डाउन जाने पर क्या डिक्रीज हो रहा है? बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। ओके, अप से डाउन जाने पर क्या बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो अपने पास में है, बॉन्ड ऑर्डर वो इंक्रीज हो रहा है क्या? बिल्कुल है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर क्या है? तीन है। अब बात करें बॉन्ड एनर्जी,
अभी अपन एक अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब है यहाँ पर अगर बात करें तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रही है, अप से डाउन जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे अधिक कौन से वाले बॉन्ड की एनर्जी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी बजाय किसके, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की कंपेरिजन में। ओके, तो ये अपन अपने देखा है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल्स में तीनों में क्या लिंक पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर अपने को दो लिंक पता है तो रियली अपन देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अपने को निकालना आता है, कैलकुलेट करना आता है, तो अपन बॉन्ड एनर्जी के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कौन से वाले की मिनिमम होगी, कौन से वाले की मैक्सिमम कंडीशन में पाई जाएगी। ओके, ये आपके पास में बॉन्ड एनर्जी का लिंक, अगर आपको बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो आप कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये तीनों आपस में लिंक्ड है। अगर आपको एक वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आप दोनों एक्स्ट्रा जो वैल्यू अपने पास रिमेनिंग जो पार्ट है क्वेश्चन के बेस्ड पर, अपन बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर में से अगर आपको एक वैल्यू गिवन है तो दो जो रिमेनिंग अपने पास वैल्यूज उनको अपन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या डिफरेंस पाया जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड डीएसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वाली एनर्जी, बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के कारण जो रिलीज एनर्जी होती है वो वाली, अलग अलग एटम में एनर्जी जो होती है वो अलग अलग टाइप की पाई जाती है। जस्ट लाइक अगर बात करें, जितना मॉलिक्यूल है वो छोटा रहेगा, स्मॉल साइज का रहेगा, एक मॉलिक्यूल बिग साइज का है तो किस में एनर्जी ज़्यादा होगी, बिग साइज वाले मॉलिक्यूल में एनर्जी मोर होगी कंपेयर टू स्मॉल साइज। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो होती है डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, साइज के ऊपर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, साइज के ऊपर डिपेंड करती है। अब अपने पास में बॉन्ड एनर्जी का एक नॉर्मल से एक एग्जांपल और है। अगर अपन हैलोजनों में बात करें, हैलोजन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हैलोजन जो होते हैं सिर्फ F2Cl2Br2 और I2, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हैलोजन, क्या कहलाते हैं ये, हैलोजन कहलाते हैं। और ये डाई हैलोजन जो मॉलिक्यूल आपके पास में है, ये हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसकी अपन बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो तो किसकी होगी, सबसे अधिक किसकी होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक अपने पास में देखिए तो F2Cl2Br2 और I2 के अंदर है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा बड़े साइज वाले की होनी चाहिए। तो बड़ा साइज किसका है भाई, यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूल का सबसे अधिक एनर्जी इसकी मिलेगी। उसके बाद में कौन आपके पास में, I2 है, उसके बाद में Br2 है, उसके बाद में कौन है Cl2 है, उसके बाद में कौन है F2। ये ऑर्डर अपने पास में यहाँ पर होना चाहिए, पर रियल में ये ऑर्डर नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस होने के कारण इसका जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंट पाया जाता है। और ये ऑर्डर जो अपने को मिलता है वो किस टाइप से यहाँ पर मिलता है उसको यहाँ पर देखना है। सबसे अधिक जो एनर्जी होती है यहाँ पर है वो स्टूडेंट्स होती है किसकी, Cl2 की, किसकी होती है Cl2 की, फिर यहाँ पर एनर्जी होती है Br2 की होती है, उसके बाद में ये अपने पास में F2 की एनर्जी होती है, उसके बाद में I2 की एनर्जी होती है। तो ये रियल ऑर्डर पाया जाता है, ये ऑर्डर यहाँ पर नहीं पाया जाता है। Cl2 की एनर्जी सबसे अधिक होती है, इसका कारण क्या होता है, यहाँ पर रिपल्सन सबसे बड़ा कारण होता है, क्या होता है इसका रीजन क्या है, रिपल्सन यानी साइज जो होता है उसका रिपल्सन होता है, बिग साइज होने पर उसको ब्रेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। Cl2 का साइज जो है वो मीडियम साइज होता है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही छोटा होता है, इसलिए इसकी एनर्जी इसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्रूमेंट है होती है। साथ में इसके ऊपर सभी के अंदर लोन पेयर पाए जाते हैं, जो अपन निकल बात की थी, ये वाले लोन पेयर, ये लोन पेयर ही रिपल्सन का मेन रीजन होता है, इस कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है। काफ़ी जगह इसको पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह के अंदर, तो Cl2Br2F2I2 बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है हैलोजन्स का। ओके, अगर ऐसे अपन बात करें अपने पास में कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो अलग अलग एटम में किस पर डिपेंड करती, कौन से फैक्टर होते हैं जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, अगर अपने को बॉन्ड एनर्जी का मालूम हो जाए तो क्या बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर होता है उसको भी अपन डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, सबसे पहले अपन बात करें कि बॉन्ड एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं,
दूसरा बात अगर सब स्टूडेंट इसमें देखे तो बॉन्ड जो एनर्जी होती है इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी बॉन्ड एनर्जी जो होती है ये जो होती है इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी, और इसको डेल एच से भी नोट किया जाता है, डेल एच से भी नोट करते हैं। तो ये निकालने का जो है इसको अपन नेक्स्ट क्लासों में सीखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर। फिलहाल बॉन्ड एंथैल्पी की जो बात करें तो बॉन्ड एनर्जी के बेस पर, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर होना चाहिए। देखिए आपके पास में है H2 है, Hc2 है, C2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि कौन से वाले की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आपने देखा पीरियोडिक ट्रेंस पढ़े थे अपन ने, पीरियोडिक ट्रेंस याद कीजिए, प्रीवियस चैप्टर में अपन ने पीरियोडिक ट्रेंस के बारे में स्टडी किया था और उसमें अपन ने पढ़ा था कि पीरियड जो होता है उसके अंदर और ग्रुप के अंदर कहाँ से कहाँ जाते हैं। ये आपके पास में है पीरियड, और इस पीरियड में अगर आप जा रहे हो लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था जेड इफेक्टिव एक फैक्टर था, जेड इफेक्टिव, ये फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साइज क्या हो जाएगा, साइज यहाँ से स्टूडेंट्स हो जाएगा डिक्रीज, क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा, साइज क्या हो गया यहाँ से डिक्रीज हो गया है। अब यहाँ पर देखिए साइज जो होता है वो किस प्रकार से इसको इफेक्ट करता है। नॉर्मली अगर अपन लैंग्वेज में यहाँ पर देखें तो जैसे मेरे पास में है एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल मेरे पास में ये है, और एक मॉलिक्यूल मेरे पास में ये है, तीन मॉलिक्यूल, कौन से वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी तो ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी वर्ड भी यहाँ पर जुड़ रहा है, अब उसको लिंक कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड ऑर्डर जुड़ा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड एनर्जी जुड़ी हुई है, और बॉन्ड एनर्जी से क्या जुड़ा हुआ है, बॉन्ड स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जुड़ा हुआ है। तो चारों वर्ड लिंक है, इसको लास्ट में जाके समराइज करेंगे, तब तक आप देखिए बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है। यहाँ पर ये वाला आपका एटम है ए है, ये वाले एटम्स हैं बी है, ये वाला एटम है सी है। अब इसका साइज आप देख रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, अप टू डाउन जाने पर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जितना बड़ा साइज होगा उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इस वाले के अंदर ज्यादा एनर्जी है तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इस वाले तीनों में बॉन्ड को नॉर्मल अवस्था में देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं इसके साथ दूसरा एटम लिंक कर देता हूँ, ये ए के साथ में ही मैंने एक एटम और लगा दिया ए वाला, बी के साथ में एक एटम लगा दिया सेम साइज वाला बी वाला, इसके साथ में लगा दिया सी साइज वाला सी वाला। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का जो अपने पास में सेम साइज वाले हैं, अब ये मॉलिक्यूल हो गए, क्या हुए, एटम एटम मिलने से फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल यहाँ पर हो गए। अब तीन मॉलिक्यूल्स में आप देखिए कौन से मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, उससे मतलब नहीं, अपने को मतलब है कौन से वाले को बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा, कौन से वाले को डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाले एटम में देखिए, इस वाले में देखिए साइज किसका बड़ा है, इस वाले पार्ट का साइज क्या है, बड़ा है, और बड़े वाले को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि इस वाले के अंदर बॉन्ड डी एसोसिएशन एनर्जी होगी, वो आपको रिलीज करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो बॉन्ड डी एसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर रिक्रूमेंट होती है, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेक करने में जो एनर्जी अपने को रिक्रूमेंट है या एब्जॉर्ब होती है कौन सी होती है, बॉन्ड डी एसोसिएशन एनर्जी होती है। ओके, तो यहाँ पर यही करना अपने को, बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी है, ये फास्टली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हो गए। दूसरे वाले में देखे थे इसमें एनर्जी और ज्यादा चाहिए, इस वाले में एनर्जी और भी ज्यादा मात्रा में चाहिए, नहीं यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी इस वाले के अंदर अपने को चाहिए। ओके, इसका मतलब जितना छोटा साइज होगा उतना ही क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब हो गया साइज जो होता है इस पर डिपेंड कौन कर रही है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है 1/ बॉन्ड एनर्जी, ये अपने देख रहे हैं बॉन्ड एनर्जी का मतलब हो गया। अगर साइज छोटा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, उसको अपन देखने वाले हैं कि ये मैंने जो ऑर्डर लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है। आप देख लीजिए इसको, एक एग्जांपल लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, C2, N2, O2 और F2 में अगर बात करें कौन से वाले का साइज छोटा है, F2 वाले का साइज क्या है स्टूडेंट्स, सबसे छोटा है, ये अपने जेड इफेक्टिव के आधार पर देखा है, जिसका साइज छोटा होगा उसकी एनर्जी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा, इस वाले के आधार पर देखें तो यहाँ पर
एफ टू की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में देखिए तो ओ टू की होगी, एन टू की होगी, सी टू की होगी, ये ऑर्डर अपने पास में यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो ये अपन ने देखा है किसका, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, इसका यूज क्या है, बॉन्ड स्टेबिलिटी के आधार पर, यानी बॉन्ड एनर्जी के आधार पर अपन किसी भी मोलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी के आधार पर स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वाली क्लास में अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।